तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? जैसा कि आज के इस वीडियो में करने वाले हम ऐसा एक्सपेरिमेंट जो कि शायद आज तक किसी ने नहीं किया। तो हुआ यह कि काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था कि क्या एग अगर पानी में गिर जाए या फिर कोई बर्ड पानी में एग दे दे तो क्या वो सर्वाइव करेगा। तो यही एक्सपेरिमेंट है हमारा आज का। हम इसमें कुछ ये कहिए कि कुछ टाइम तक एग को डालेंगे पानी में और हम लोग ट्राई करेंगे कि उसमें से बेबी निकलता है या नहीं निकलता है। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि उस एग में लाइफ नहीं होगी जिस एग को हम यूज करेंगे, मतलब कि हम लोग फ्रेशली लेड एग यूज करेंगे जो कि अभी हाल ही कबूतर ने दिया हो। और उसमें लाइफ नहीं होती है क्योंकि जो है ना फ्रीजिंग स्टेज में होता है उस टाइम पे एग। एग के अंदर लाइफ तब तक नहीं होती है जब तक उसे गर्मी मिलना स्टार्ट नहीं होती है। जब उसे गर्मी मिलना स्टार्ट हो जाती है तब उसके अंदर लाइफ फॉर्म हो जाती है और फिर अगर आप पानी में डालेंगे तो भाई चांसेस हैं कि उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, हम लोग यूज कर रहे हैं ऐसा एग है जिसके अंदर लाइफ अभी फ्रीजिंग स्टेज में है। ये कहो कि उसमें अभी लाइफ नहीं है यही मान के चलो, क्योंकि कुछ टाइम तक अंडे के पास ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि उसे अगर गर्मी ना दी जाए तो वो सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, अब यही मान के चलो कबूतर ने आज अंडा दिया है तो वो शुरुआत में नहीं सहते जब तक दूसरा अंडा नहीं दे देते बर्ड। बर्ड जब तक अपने सभी अंडे नहीं दे देते तब तक नहीं सहते, कुछ बर्ड ऐसे होते हैं। तो हम लोग इसी का फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि मैंने सुना है भाई, पढ़ा है मैंने कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी किसी कुएं के अंदर गिर जाए या फिर जो है ना उसके अंदर बर्थ दे दे बेबी को तो जब तक प्लेसेंटा अटैच रहेगी तब तक बच्चा जिंदा रहेगा। तो मैंने कहा भाई बर्ड्स में भी ऐसा आजमाया जाए। तो हमने तीन एक्सपेरिमेंट किए हैं इसमें। ऐसा नहीं है भाई कि एकदम से हम लोग किला खड़ा कर दें, एक एक गुम्मा रख कर जो है ना हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि भाई किसी की लाइफ को हार्म कर सकते हो हम लोग, ऐसा हम लोग कुछ नहीं करेंगे, धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करेंगे। तीन एक्सपेरिमेंट किए हमने, E1, E2 और E3। E1 है अपना 2 मिनट्स का, E2 अपना 5 मिनट का और E3 है 10 मिनट्स का। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ हम तीन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट जानेंगे। बाकी आपको जितनी भी क्वेरी है या क्वेश्चन है वो आप कमेंट करके बताइए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि भाई मैंने काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बोल जाता हूँ वीडियो में और भाई कोई पसंद नहीं करता वो देखना। तो अगर आपको कोई बात पूछनी है, कोई कन्फ्यूजन चल रहा है आपके दिमाग में तो आप जरा बेझिझक मुझसे पूछिए, कमेंट सेक्शन में आपको बहुत खुलकर समझा दूँगा। अब ऐसा नहीं है भाई, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि हम लोग को यूज करने के लिए मतलब यूज नहीं कर सकते खुले हम। ठीक है, आप लोग जब कमेंट सेक्शन में पूछे तो आपको डिटेल में बता दूंगा कहाँ से एक्सपेरिमेंट है, कैसा क्या है सिस्टम है इसका। तो हम लोग छोटा सा बर्तन यूज करेंगे अभी और इस एक्सपेरिमेंट में बड़ा बर्तन एक को भाई स्विमिंग पूल में आपने डाल दिया तो उसमें अलग रिजल्ट मिलेगा और छोटे बर्तन में अलग मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा E1 वाला एक्सपेरिमेंट है 2 मिनट के लिए। तो ये जो है ना हमने किया हुआ है 12x पे स्लो मोशन, आप लोग करके देखेंगे तो आपको पूरा टाइम टेबल जो है ना इसमें दिख जाएगा। हमने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लिया है क्योंकि भाई जो है ना ये आप लोग हैंड राइटिंग देख सकते हैं इसके अंदर, हम लोगों ने हार्ट फ्लकिंग देखा 4 दिन बाद। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये बच्चा भी निकल आया है E1 से और E1 बच्चा बड़ा हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में वीडियो में E1 बच्चा बड़ा हो चुका है। ये हमारा E2 का एक्सपेरिमेंट है, इसमें हम लोग 5 मिनट के लिए अंडे को पानी में डालेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, साथ में टाइम टेबल भी चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग स्लो मोशन करके देखेंगे ये है 12x पे ये भी। ठीक है, E2 भी जब हमने कुछ 6-8 दिन बाद चेक किया तो इसके अंदर हार्ट फ्लकिंग हुई और E2 तो हमारे सामने हाथ में ही निकला हुआ है, मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको। ये है E3 वाला, इसमें हम लोगों ने 10 मिनट्स के लिए एक्सपेरिमेंट किया है। तो 10 मिनट की वीडियो पूरी मैं नहीं दिखा सकता था, आपको प्रूफ चाहिए तो मैं आपको प्रूफ दे दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो इसमें हुआ ये कि भाई हमारे तीनों एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल गए और 2 बच्चे तो सिर्फ मेरे हाथ पे ही निकले हैं। और भाई हमारे पास फुल वीडियो है, मतलब फुल टाइम की वीडियो होगी, कितनी देर से डाल के रखा है, बगल में टाइमर चल रहा है और मैं फिंगर करके उसमें ये भी दिखा रहा हूँ कि पानी के अंदर है। ये जो आप बच्चा देख सकते हैं ये है हमारा E1। ठीक है, E1 2 मिनट वाला और सेकेंड वाला मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सेकेंड वाले की डेथ हो गई, पेरेंट नहीं मिल पाया उसके लिए, कोई किसी ने उसको फीड नहीं कराया। E3 अभी कल ही निकला हुआ है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट करना हमारे लिए जरूरी था क्योंकि हम लोग ये जानना चाहते थे कि अगर जो है ना जैसे कि किसी बर्ड ने पेड़ पे घोंसले पे अंडे दिए और एकदम से बारिश हो जाए, रेनी सीजन में ज़्यादातर बर्ड अपने एग देते हैं, इसलिए अगर उनके एग गीले हो जाते हैं या फिर जो है ना किसी पेड़ के होल में एग दिए वहाँ पानी भर गया तो क्या एग सर्वाइव करेंगे। और कुछ ऐसे बर्ड होते हैं जो कि ग्राउंड में रिएक्ट करते हैं, जैसे कि हो गया आपका लैम्पिंग जिसको हम लोग टेरी नाम से जानते हैं, पीकॉक हो गई आपकी और ये मुर्गी हो गई, जंगली मुर्गी, तीतर, बटेर। ठीक है, तो ये सब तो ज़मीन में रिएक्ट करते हैं तो क्या इनके एग सर्वाइव कर पाते हो रेनी सीजन में। तो यही जानने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया और हमारे तीनों एक्सपेरिमेंट अभी तक सक्सेसफुल रहे हैं, तीनों में लाइफ फॉर्म हुई है। पर हमने तभी डाला है जब तो उसमें जो है ना लाइफ नहीं थी शुरुआत में, जैसे ही ताजा अंडा हम लोगों ने ये
मान के चलो उसने अंडा दिया, जैसे ही मैंने देखा उबाल उसको सेम पानी में डाल के वीडियो बना ली। ठीक है, हम लोगों ने ऐसा एग यूज नहीं किया जिसके अंदर बेबी बना हुआ हो, और आप लोग को भी एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। हमने परमानेंट मार्कर से लिखा हुआ है, वो जो है ना एग की लाइफ के लिए रिस्की हो सकता है, तो आप लोग यूज मत करिएगा। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि अगर आपका एग किसी बर्ड का गंदा हो चुका है तो आप लोग उसे आराम से बॉक्स कर सकते हैं जब तक उन्होंने उसे गर्मी देना स्टार्ट ना किया हो तब तक। ठीक है, अंडे फूट जाते।